छतरपुर जिले में बमनौरा थाना अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर में विगत दिनों एक विवाहिता के साथ उसके पति और सास ससुर ने धारदार हथियारों के साथ मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। मामले में बमनौरा थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल युवती देववती को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। घायल युवती देववती उर्फ द्रौपदी के दोनों हाथों और दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने के कारण वह चलने फिरने में भी असहाय हो गई। बमनौरा थाना प्रभारी राज कपूर सिंह बघेल द्वारा मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने से आक्रोशित परिजनों ने घायल युवती देववती को खाट पर लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे और न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक छतरपुर को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित राकेश अहिरवार ने बताया कि उसकी बहन देववती की शादी बहादुरपुर निवासी रामकिशोर अहिरवार के साथ हुई थी, लेकिन दहेज लोभियों ने बहन के साथ विगत 9 मई को पति रामकिशोर अहिरवार, सास ससुर और जेठ द्वारा धारदार हथियार के साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और आज वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी द्वारा अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और आरोपियों द्वारा लगातार पीड़ित और पीड़ित के परिवार को राजीनामा करने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उपरोक्त गंभीर मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने कहा कि मामले में बमनौरा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस अवसर पर पीड़ित के परिजन और अहिरवार समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विराट 24 के लिए छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। कहाँ की हो? बहादुरपुर की। क्या घटना हुई आपके साथ? क्या हुआ आपके साथ? मारपीट। सब क्या क्या कारण क्या है? पैसे पे हुआ। कैसे पैसे मांग, क्या हुआ बता? बोला थे माँ बाप से पैसे मांगा। हमने बोली माँ बाप कहाँ से देंगे पैसे, अपने बच्चे पालेंगे के हमें पैसे देंगे? हमारे भाई ने 80,000 रुपये गाड़ी के लिए भी दिए थे। कहे के पैसे मांग रहे थे वो, क्या है? बोला थे कि तुम अपने बाप माता से पैसे मांग। किस चीज़ के पैसे मांग रहे थे वो? मांग रहे थे कि पैसे लिया खर्चा के लिए, तुम अपने माँ बाप के था से दहेज के पैसे, दहेज नहीं दिया था तो बोला थे दहेज के लिए पैसे लिया माँ बाप के था से। कितने सालों में शादी किया? 10 साल। 10 साल। काम क्या करते हैं वो? ए, खेती का। फिर क्या हुआ? मारपीट करी ससुर ने, जेठ ने, घर वाले ने। किस चीज़ से मारा आपको? सब बल से। और कुल्हाड़ी जा से। आपका? राकेश। कहाँ के हो? भोजपुरा के साथ। क्या हुआ? ये मेरी बहनों को मारा पीटा उनके ससुराल वालों ने, और इसलिए वहाँ पुलिस वालों ने कुछ सुनवाई नहीं की, इसलिए यहाँ लेके आए। कहाँ पे लेकर आए? एसपी को कार्यालय। कारण क्या लाने का? कारण ये आप खुद देख लीजिए सर। तीन हैं, क्या हुआ है? इनको मारा पीटा गया। कारण क्या, मारने में वजह क्या? मारने पीटने में यह है कि जब से शादी की तब से पैसे मांगे जा रहे हैं, हर टाइम पैसे मांगते हैं। इस टाइम कई बार हमने दिए भी हैं, कहीं 10,000 कहीं 5,000। उसके बाद में पिछली साल इसके गांव का आया था जस रहता हुआ, उसके हाथ में दिए थे मैं 65,000 रुपये नई स्प्लेंडर गाड़ी खरीद के लिए। उसके बाद में फिर भी अभी बोला होगा पैसे मंगाओ माँ बाप से, उसने बोल दिया कहाँ से, उसके पास खुद पैसे नहीं, उसका खुद लड़का ख़त्म हो गया था, बीमार हो गए, उसके कारण इन लोगों ने मारपीट कर दी। सब ने जोर मिल के सब बल और कुल्हाड़ी से मारे थे। फिर क्या किया बच्चे के साथ में? बच्ची के साथ में फिर पानी के जगह बाथरूम करी दी है उसके मुंह में, ये बताओ। कौन ने की? ये उन्हीं के ससुराल वाले। आज बच्ची की कैसे ले आया बच्ची को? खाट में रख के लाए, गाड़ी पर रख के, कैसे आती है? खाट पर रख के लाए बच्ची को? हाँ, खाट पर रख के लाए। कहाँ से लाए? ये अपने घर से लाए, भोजपुरा से सर। एक 21-22 दिन इलाज भी करवाया हमने सर, इसके 3 ऑपरेशन भी कराए गए हम ही ने खुद। थाना क्या लगता? थाना वहाँ का लगता है, बमनौरा हमारा लगता है सर, भगना। ये महिला बहादुरपुर पीएफ बमनौरा से आए थे। इसका ये कहना था कि 10 साल इसके विवाह हुए हैं और इसका मायका बड़म लहरा क्षेत्र में, ससुराल बमनौरा के बहादुरपुर में है। कुछ दिन पूर्व करीब 15 तारीख के आसपास इसके हस्बैंड और कुछ लोगों ने सब मारपीट करी। बाद में इसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया और अभी हॉस्पिटल से एक कल ही डिस्चार्ज हुई है। इसमें ऑलरेडी हमने FI रजिस्टर्ड कर रखी है 498-330 की,
अब बैठे टिकट और इसके जो स्टेटमेंट होंगे, साक्ष्य होंगे, उस अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर वो खा पर लटाकर लाए हैं, क्या है? नहीं, दिख रहा था फ्रैक्चर, दिख रहा था प्राइमर फेसी फ्रैक्चर दिख रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इसमें FIR हो चुकी है, तो बेड हेड टिकट और मेडिकल क्वेरी के आधार पर इसमें सेक्शन बनाए जाएंगे। उनका कहना है कब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई आया है अस्पताल में? नहीं, स्टेटमेंट हुए हैं इसमें, और महिला के स्टेटमेंट के आधार पर ही FIR हुई है, और फिर सभी थाना प्रभारी मैंने निर्देशित किया है कि स्वयं हॉस्पिटल जाके पूरे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके और मेडिकल कोई क्वेरी हो तो उसको करा करके इसमें वजह समझता है।